मुझे पता है आप सबके मन में ये प्रश्न है कि 10 साल एक राजनीतिक दल को देने के बाद मैंने ये क्यों निर्णय लिया है। वो 10 साल राजनीति के मेरे बहुत ही, मैं मानती हूँ कि प्रभावशाली रहे होंगे किसी तरीके से, पर उससे ज़्यादा मैं मानती थी कि महिलाओं के मुद्दों को लेकर मैं अपनी आवाज़ मजबूती से रख सकती थी। और हुआ कि मैं देखती थी कि सोशल मीडिया पे मेरी ट्रोलिंग होती थी, क्योंकि मेरे विचार जो मैं जाहिर करती थी, और बिंदास होकर, मुंबई का नाम ही बिंदास है, और वो बिंदास तरीके से जब मैं बात करती थी वो मुझे अब्यूज़ मिलता था, ट्रोलिंग मिलती थी। पर दुख मुझे इस बात का तब हुआ जब खुद ही पार्टी के कुछ लोगों ने इस तरीके की टिप्पणी की मेरे बारे में। उम्मीद ये थी कि सस्पेंशन हुआ, मैंने ज़्यादा किसी के सामने बोला नहीं था, जो इंचार्ज थे वहाँ पे रखा। पर जब रीइंस्टेट कर किसी को वापस बुलाया जाता है, ये दरकिनार कर दिया जाता है कि एक महिला जिसने अपना 10 साल बगैर राजनीति से जुड़ी, एट अ ग्रेट पर्सनल कॉस्ट उन्होंने ये काम किया है, और वो इसीलिए किया है क्योंकि वो दिल से सेवा भाव से कर रही हैं, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मंशा के, बट टू चेंज द सोसाइटी, चेंज द पॉलिटिकल सिनेरियो, एंड चेंज हाउ विमेन आर लुक्ड एट एंड परसीव्ड इन दिस कंट्री। बहुत लेट डाउन वाली फीलिंग हुई, और मुझे लगा मेरी आत्मसम्मान की लड़ाई अगर आज मैंने नहीं लड़ी तो बहुत सारी महिलाएं हैं वहां पर जिनको मैं फेल करूंगी। तो इसलिए मैंने ये मन बनाया है। मैं जानती हूँ कि यहाँ से निकलने के बाद मेरे ट्विटर अकाउंट को नहीं छोड़ा जाएगा, जो भी मैंने टिप्पणियाँ दी हैं पास में वो खींची जाएंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे मन को लेकर सवाल उठाए जाएंगे कि कैसे ये बदलाव आया, पर मैं ये कह सकती हूँ और आज इस मंच से टोटल कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, मैंने सब सोचकर, सब समझकर और जानकर कि मेरी जिम्मेदारी में किसके प्रति है, किन मुद्दों के प्रति है, वो सब चुनकर और सोचकर समझकर मैंने शिवसेना में जुड़ने का मन बनाया है। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर दबाएं।